बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियां अपनी एक्टिंग और अदाकारी की वजह से तो हमेशा ही डिमांड में रहती हैं, तो वहीं बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों तो इस बार की दिवाली में भी जमकर डिमांड में रहीं। जी हां, कुछ अभिनेत्रियों की तो डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि हर तरफ उन्हीं का प्रचार हो रहा है और उन अभिनेत्रियों का ही बोलबाला है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दिवाली पर बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों की जमकर डिमांड भी हुई है? जी हां, आखिरकार बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो कौन सी अभिनेत्रियां हैं जो कि दिवाली पर काफी ज्यादा डिमांड में रहीं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर 10, उर्वशी रौतेला। ग्रैंड मस्ती और सनम रे जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की इस दिवाली पर जमकर डिमांड हुई है, क्योंकि उन्होंने दिवाली पर कई सारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज किया और उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के बाद ये काफी पॉपुलर हो गई है। नंबर 9, अमीषा पटेल। कहो ना प्यार है फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री अमीषा पटेल को दिवाली पर कई सारे एड के ऑफर मिले, जिसके चलते अमीषा पटेल दिवाली पर काफी ज्यादा डिमांड में रही। नंबर 8, प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपना अहम किरदार निभाने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी दिवाली पर काफी ज्यादा पॉपुलर हुई हैं। जी हाँ, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने दिवाली पर कई सारे प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, जिसके चलते प्रियंका चोपड़ा दिवाली पर काफी डिमांड में आ गई। नंबर 7, कैटरीना कैफ। फोन बूथ फिल्म में आने की वजह से सुर्खियों में छाने वाली अभिनेत्री कैटरीना कैफ को भी इस बार की दिवाली पर कई सारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने का ऑफर मिला, जिसके चलते कैटरीना कैफ काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई हैं। नंबर 6, आलिया भट्ट। अपनी प्रेगनेंसी को लेकर आए दिन सुर्खियों बटोरने वाली अभिनेत्री आलिया भट्ट ने दिवाली पर कई सारे प्रोडक्ट के ऐड किए और उन प्रोडक्ट के काफी ज्यादा बिक्री हुई, जिसके चलते आलिया भट्ट भी काफी लाइमलाइट में आ गई हैं। नंबर 5, अनन्या पांडे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री अनन्या पांडे इस बार की दिवाली पर काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है। जी हाँ, अनन्या पांडे को कई सारे ब्रांड का प्रमोशन करने का मौका मिला और ब्रांड का प्रमोशन करने के साथ साथ अनन्या खुद भी काफी फेमस हुई है। नंबर 4, शिल्पा शेट्टी। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी दिवाली पर कई सारे ब्रांड का प्रमोशन किया और जिस ब्रांड को इन्होंने प्रमोशन किया वो ब्रांड मार्केट में खूब बिका, जिसके चलते शिल्पा शेट्टी की भी लोगों ने खूब वाहवाही की। नंबर 3, सारा अली खान। केदारनाथ और अतरंगी जैसी कई सुपरहिट फिल्में देने वाली अभिनेत्री सारा अली खान को भी इस बार की दिवाली पर कई सारे प्रोडक्ट का ऐड किया, जिसके चलते सारा अली खान भी जमकर डिमांड हुई। नंबर 2, कियारा आडवाणी। कबीर सिंह और जुग जुग जिया जैसी कई सुपरहिट फिल्में देने वाली अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने दिवाली पर सारे प्रोडक्ट का प्रमोशन किया और प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के साथ साथ कियारा आडवाणी भी खूब पॉपुलर हुई हैं। नंबर 1, काजोल। कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम जैसी कई सुपरहिट फिल्में देने वाली अभिनेत्री काजोल नई दिवाली पर ज्वेलरी पर प्रमोशन करने के साथ साथ ज्वेलरी पर ऐड भी किया है, तभी तो काजोल काफी ज्यादा फेमस हुई और इनकी जमकर डिमांड भी हुई। वेल दोस्तों, इस बार की दिवाली पर जमकर डिमांड होने वाली अभिनेत्रियों के बारे में जानकर आपके कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।